और उनको वो 64 तक का आंकड़ा बहुत जल्दी तय करना है एक एक कदम। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए गॉड्स रेन रेन सुप्रीम, और देखिए मेरी तरफ से प्रेडिक्शन है, मैं अभी के लिए जिंक्स तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये परफॉर्मेंस आगे तक दिखाएंगे तो डेफिनेटली आज के दिन पे वो टेबल टॉपर्स बनते नजर आ सकते हैं। तो देखिए वो झटका मिल चुका है, सेम सिचुएशन हुई है जिस तरह से ओडिन यहाँ पर बाहर होते नजर आए, उसी तरीके से पूरे का वो खिलाड़ी भी एलिमिनेट होता नजर आया, और इस तरह का एलिमिनेशन आई डोंट थिंक कोई खिलाड़ी चाहेगा अपने नाइटमेयर में भी। जी हाँ, बहुत जल्दी वहाँ पे खत्म हो गया पूरे का वो खिलाड़ी, अब 3 प्लेयर्स के साथ खेलना है। यहाँ पे गेम तो एक सवाल ये भी बनता है ना कि आप 3 प्लेयर्स के साथ किस तरह से खेलेंगे, क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी, बिकॉज आज के दिन से पहले 10 ही केबल आके आपके पास थे। एक ऐसी टीम से आपने फाइट ले ली जिनके पास बहुत ज्यादा थे, उनको कोई जरूरत नहीं है आज इतने ज्यादा पॉइंट्स निकालने की। व्हाट डू थिंक पूरे क्या कर सकते हैं आज के दिन में? मुझे तो लग रहा है इस सिचुएशन की मैं अगर बात करूं फिलहाल की सर्वाइवल के लिए आप खेलने के लिए खेलने भी कह जाएगा कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। चारों के चारों खिलाड़ी पीछे पड़ चुके थे, अब हैरी यहां तो मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल है आपके लिए बढ़ने वाली है। कल के दिन पे मात्र 10 अंक 14 अंक का वो टारगेट, मुझे लग रहा है कि ये तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था उनके माइंडसेट में, यही था कि हमारे साथ तो कोई आएगा ही नहीं। बट फ्लाइट पास देखिए किसी का सगा नहीं होता, वो किसी के पक्ष में भी जा सकता है, और यहाँ तो फिलहाल बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ चुकी हैं इनकी। लेकिन मानसिकता की बात करते हैं, हम दो टीम्स को यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक जिनके पास बहुत सारे अंक है तभी वो इस तरह से अग्रेसिव खेल पा रही है, और दूसरी टीम सिर्फ भाग रही है यहाँ से। ये पॉइंट्स ना होने का नतीजा है 4AM के लिए, हालांकि काफी अच्छा खेला था 4 अग्रेसिव मैन ने पहले के राउंड के अंदर, बेहतर प्रदर्शन था, अग्रेसिव वहां भी खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पे मुश्किलें हर सके के साथ बढ़ती जा रही है। कल के दिन पे जब आखिरी खिलाड़ी बच रहा था डैगर के साथ समाप्त कर रहे थे, वही चीज हमें देखिए पहला नॉकआउट दूसरे के लिए जैसे बढ़ते तो बहुत मुश्किल था। पहली टीम का पतन फ्यूरी के खाते में 3 फ्रैक्स, इससे बेहतर शुरुआत क्या ही हो सकती गॉड्स रेन की। और अब मुझे लग रहा है कि एक टीम के ऊपर टिक मार्क कर दिया है, अब नेक्स्ट टीम कौन सी रहेगी उसके ऊपर रहेगा सवाल। अब इनका गॉड्स रेन अगर इसी तरह खेलते रहे तो इस लॉबी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर कट ऑफ।